साथियों नमस्कार। योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हम लोग जो प्राण का जो एक क्रम चला रहे थे, श्रृंखला चला रहे थे, उसी श्रृंखला के कड़ी में आज हम लोग उदान प्राण मुद्रा के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये पांच प्राण हैं। हमारे उपनिषदों में कहा गया है, प्राणयति जीवयति इति प्राणः, जो प्राणियों के जीवन का आधार है, जिसे धारण करके प्राणी जीवित रहता है, उसी को प्राण कहा गया है। प्राण हमारे जीवन के आधारभूत तत्वों में से एक है और योग का भी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप इन्हीं प्राण के इर्द गिर्द सब कुछ सिमटा हुआ है। इस प्राण के बारे में हमारे हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। प्राण वायु के चलायमान होने से चित्त चंचल होती है और इन्हीं प्राण वायु को यदि नियंत्रित और नियमित कर लिया जाए तो चित्त भी स्थिर हो जाती है। अर्थात हमारे प्राण का निरोध जो कि प्राणायाम का आधार है। साथियों, कहने का मतलब मेरा ये है कि प्राण के बारे में जानना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग उदान प्राण। आज का यह जो कड़ी है, इस क्रम में हम लोग उदान प्राण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उदान प्राण, इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राण है क्या, उदान प्राण का स्थान कहाँ पे है और उदान प्राण को जो कम बेसी होता है, अर्थात इसके असंतुलन से होने वाले रोग कौन से हैं और इसके संबंधित जो मुद्राएं हैं उस मुद्रा को हम कैसे लगा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है। मित्रों, आप इसके बारे में पूरे अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। उदान उद संस्कृत के उद धातु से बना हुआ है। उद का अर्थ होता है उठाना, उठना, ऊपर उठाए रखना। उड्डयन विभाग, भारत सरकार का अपना एक विभाग है, वैसा ही हमारे वही शब्द इसी से लेकर मिलाकर बना गया है उद्यान। तो उद्यान मतलब जो उठाकर रखता है, शरीर को जो उठाकर रखता है, उठान रखने में सहायक होता है। जैसे कि इस सूत्र में कहा गया है, उन्नयति यह उद आनयति वा उदानः, जो शरीर को उठाए रहे, कड़क रखे, किरणें ना दे, वह उदान है। इसका मतलब सिंपल सा है मित्रों कि हम लोग जो बैठते हैं, खड़े होकर चलते हैं, इन सभी के यदि आधार कोई प्राण है तो उदान प्राण है। जब व्यक्ति को चक्कर आता है या वो चलने के लिए असमर्थ होता है तो कोई भी प्राण जिसमें व्यतिरेक होता है वह उदान प्राण, हमको जानना चाहिए। ऊर्ध्वगमन की अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्रियाएं इसी उदान प्राण के द्वारा संपन्न होती है। अब हमें देखना यह है कि उदान प्राण का स्थान है कहां। हृदि प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशस्यो व्यानः सर्वशरीरिका, ऐसे हमारे हठयोग के ग्रंथों में विस्तार से चर्चा किया गया है। तो हठयोग के ग्रंथों में जो इसका पर्टिकुलर स्थान दिया गया है वो कंठ क्षेत्र है, अर्थात ग्रीवा से, गले से ऊपर का जो क्षेत्र है वो जो है उदान प्राण का है। तो कंठ क्षेत्र में, तो मित्रों कहने का तात्पर्य ये, कंठ से ऊपर से संबंधित विकृतियों के लिए, विकारों के लिए भी हम इस प्राण से संबंधित मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि इसके कार्य है क्या, क्या क्या कार्य है। वाणी की प्रवृत्ति, आवाज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में दिक्कतें हो रही है, हकलाहट है व्यक्ति के अंदर में, तो भी हम उदान प्राण का प्रयोग कर सकते हैं। या ग्रीवा संबंधी कोई भी विकार है, हम उस विकृति के लिए इस उदान प्राण का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयत्न, ऊर्जा, उत्साह, बल, वर्ण आदि का संपादन इसका कर्म है। जो हम लोग साहस करते हैं, प्रयत्न करते हैं, बार बार करने की हमारी प्रवृत्ति है, तो ये भी हमारे इसी उदान प्राण के द्वारा है। बल, वर्ण, वर्ण मतलब चेहरे का जो रंग, जो कलर चेंज होता है, इन रंगों के लिए भी उदान प्राण महत्वपूर्ण है। शक्ति और सामर्थ्य, हमारे चिंतन, हमारे विचार, इन सभी
इसी उदान प्राण के द्वारा प्रेरित होता है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य है मित्रों, ये शरीर को उठाकर रखता है, वाणी को प्रवित्त करता है, वाणी को मधुर बनाता है। हमें उदान प्राण, या ऐसा कह सकते हैं कि गले से ऊपर से संबंधित लगभग सभी रोगों में इस उदान प्राण का संयोग किया जा सकता है। अन्य मुद्राओं के साथ इसका संयोग करके हम इसका प्रयोग उपचार के रूप में कर सकते हैं। अगर माले व्यक्ति रोगी नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो आप अपने शरीर को, अपने विचार को, अपने दृष्टिकोण को ऊपर उठाकर उठाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए इस उदान मुद्रा का प्रयोग जरूर करें। कोई आवश्यक नहीं है कि रोगी व्यक्ति ही इसे करेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे योग शास्त्र का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना और जो रोगी हो गया है उसे निरोग बनाना, यही हमारे आयुर्वेद का भी और यही हमारे योग का भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब देखते हैं इसके पश्चात अगर उदान प्राण में कोई असंतुलन उत्पन्न हो जाए तो कौन कौन से हमारे अंदर कमियां आएगी, और उस कमियों को देख करके, डायग्नोज करके हम उसे संबंधित विकारों के लिए इस मुद्रा का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों, रुखी आंखें, आंखों में जो रूखापन ड्राइनेस होती है, यदि ड्राइनेस कहीं आंखों में आ रही है, खुजली खुश्की आ रही है, तो आप उदान प्राण का जरूर प्रयोग करें। खराब गला, गले में खराश है, गले में किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही है, है ना, बोलने में दिक्कतें हो, तो भी इसे उदान प्राण का प्रयोग करें। टॉन्सिल में सूजन, जो हमारे पास टॉन्सिल है, लोग आजकल थोड़ा भी टॉन्सिल बढ़ जाए तो ऑपरेट करवाता है, जो कि नहीं कराने चाहिए, क्योंकि टॉन्सिल हमारे लिए सुरक्षा कवच के रूप में है। उदान प्राण का प्रयोग कीजिए, इससे आपके टॉन्सिल से संबंधित विकार में भी आपको सहायक लाभ मिल सकता है। कमजोरी, वीकनेस, यदि वीकनेस मालूम पड़ रहा है आपको किसी तरह से, तो भी आप उदान प्राण का प्रयोग कर सकते हैं। थकान, थकावट, कमजोरी या थकावट, उत्सुकता में कमी, मैंने इसे पहले ही चर्चा किया था, उत्साह, यदि व्यक्ति को कुछ करने की अगर तमन्ना नहीं है, या अन्य शब्दों में कहे कि जीवन लक्ष्य नहीं है, व्यक्ति को ये नहीं मालूम पड़ता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, यदि उसे ज्ञान नहीं हो रहा है, तो भी उदान प्राण का प्रयोग कीजिए। व्यक्ति को लगता है कि मुझे जीवन में कुछ करने के कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप उदान प्राण का प्रयोग कीजिए, आपको जीवन लक्ष्यों का ज्ञान होगा, जीवन की दिशा का ज्ञान होगा, और आपके अंदर में एक उत्साह और स्फूर्ति आएगी जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। कान के दर्द, वैसे कान के दर्द में हम लोग आकाश मुद्रा का भी प्रयोग करते हैं, शून्य मुद्रा का प्रयोग करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उदान प्राण जो मुद्रा है उसका भी हम लोग संयोग करके दोनों को साथ करेंगे। कान के दर्द में तुरंत ही चुटकी बजाने से जितने जो समय लगता है उतने समय हम लोग कान के दर्द को ठीक कर सकते हैं। वाणी की समस्या, मैंने कहा पहले ही चर्चा किया था, वाणी अगर वाणी लोप हो जाए, वाणी में किसी प्रकार की लड़खड़ाहट हो, तुतलापन हो, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस उदान मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अति उग्रता, व्यक्ति व्यग्र हो जाता है, हाइपरटेंशन जिसे हम लोग कह सकते हैं, या व्यक्ति ज्यादा ही बातों बातों में उग्र हो जाते हैं, है ना, चिढ़ने लग जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग क्या है, उदान प्राण का प्रयोग कर सकते हैं। सूखी खांसी, अगर ड्राई कफ हो तो ड्राई कफ में भी हम लोग क्या है, उदान प्राण मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतने सारे जो असंतुलन से होने वाले रोग है साथियों, आप लोग देख चुके हैं, तो इन रोगों में भी हम क्या कर सकते हैं, उदान प्राण का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी रोग को, किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अब इसके विधि के बारे में देख लें, जैसे आप इन चित्रों को देख पा रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें महत्वपूर्ण है कौन कौन से फिंगर को मिलाएंगे, बड़े ध्यान से देखिए। पहले इसको, पहले हमारा ये तर्जनी उंगली, फर्स्ट उंगली को बोलते हैं तर्जनी उंगली, दूसरा है मध्यमा, तीसरा है अनामिका, और उसके बाद एक अंगुष्ठ। अंगुष्ठ को हमने अग्नि तत्व का प्रतीक कहा था, इंडेक्स फिंगर वायु तत्व का प्रतीक है, ये आकाश तत्व है मध्यमा उंगली, और इसके बाद जो अनामिका है ये पृथ्वी तत्व का है। केवल हम वरुण अर्थात जल तत्व वाले फिंगर को अलग रखेंगे और इन चारों को एक साथ मिला देते हैं, इन चारों को मिलाते हैं तो ये होता है उदान प्राण। अद्भुत है ये, आप इसका प्रयोग करके देखिए, और मैंने पहले ही चर्चा किया था, इसको बनाकर रखिए और आराम से कमर गर्दन सीधी करके रखें और लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें।
वैसे भी चलते फिरते उठते बैठते कहीं पर भी लगा सकते हैं, बट इसका सही और सटीक लाभ तब मिलेगा जब आप किसी स्थान पर बैठ करके लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अनुभव करें कि आपके अंदर दिव्य प्राण आ रही है, आपके अंदर प्राण का संतुलन हो रहा है। इस तरह के भाव जरूरी है। साथियों, आप इसको कितने समय तक लगाए रखेंगे? इसके लिए 45 मिनट कम से कम समय कहा गया है। आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न और उठ रहा है कि दोनों हाथ में लगाएं या एक ही हाथ में लगा के रखें? मैं तो कहूंगा दोनों हाथ में लगाइए, क्योंकि हमारा ब्रेन उल्टा कार्य करता है, क्रॉस में कार्य करता है। राइट ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है बॉडी के, और लेफ्ट ब्रेन बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। इसलिए साथियों, आपको ये समझना चाहिए जब राइट हैंड में अगर प्रयोग करेंगे तो बॉडी का राइट साइड लेफ्ट साइड के लिए प्रयोग होगा, और बॉडी अगर लेफ्ट हैंड में यूज करेंगे तो बॉडी के राइट साइड के लिए वो यूजफुल होगा। यदि आप एक हाथ में किसी तरह से एंगेज है, लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड में किसी कोई दिक्कत नहीं है। बट सही लाभ और सही इसकी जो यदि आपको फायदा लेना है तो बोथ हैंड में कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उपयोगी भी रहेगा और आप लोग सहज क्रमी से कर सकते हैं। अब इसका लाभ क्या है उदान प्राण के, देख लीजिए। हमने इसके बेनिफिट्स चर्चा किया, उसकी वीडियो के बारे में चर्चा। बेनिफिट इसमें देखते हैं, मानसिक शांति एवं स्थिरता में सहायक। जैसे हमने असंतुलन में अति उग्रता कर दी, अति उग्रता जब हो तो क्या है, अगर इसे लगाएंगे तो आपके अंदर मानसिक स्थिरता में वृद्धि होती है, व्यक्ति मानसिक रूप से शांत होता है। और ये योग के लिए महत्वपूर्ण सहायक है, क्योंकि मानसिक स्थिरता जीवन में अति आवश्यक है और योग के पथ में बढ़ने के लिए तो साथियों और भी महत्वपूर्ण है। थायराइड और पैरासाइथायराइड संबंधी विकार, हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो कि वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, ये हमारे थायराइड और पैराथायराइड गले में है। से संबंधित कोई विकार हो जिससे हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस पैदा होती है, विशेषतः महिलाओं के लिए, पुरुषों में दिक्कतें होती है, अगर शरीर में वृद्धि कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए यदि इस मुद्रा का प्रयोग करें तो भी इससे लाभ मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों ये मुद्रा, जिसे हम लोग उदान मुद्रा कहते हैं। और योग के लिए तो ये सोने पे सुहागे की तरह है। अब उसे हम इस तरह से कैसे यूज करेंगे, उसकी विधि मैंने चर्चा कर ली है। और नेक्स्ट जो लाभ दे रहे हैं वो है घेंघा रोग, गॉइट कहते हैं इसको। तो गले में जो गांठें बन जाती है या फूल जाते हैं, जिसे घेंघा रोग कहते हैं, इससे भी ये हमें निजात दिलाती है। शरीर में वृद्धि हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको कि ये हार्मोन्स ऐसा है कि TSH, जो कि हमारे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होकर के स्रावित होती है, जिसका नियंत्रण हमारे थायराइड, और थायराइड के माध्यम से फिर वो हमारे क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन्स और अन्य हार्मोन जितने भी इस बॉडी का है, जो हो जिसे हम लोग कह सकते हैं वृद्धि हार्मोन्स या हमारे बॉडी के और अन्य इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो सभी को इसी के द्वारा नियंत्रण में लिया जाता है। तो साथियों, ये आपका उदान प्राण है, ये आवश्यक है कि आप इसे लगाएं, उपयोगी भी है। और विशेष तौर से यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो मैं तो एक ही सजेशन दूंगा कि आप इसे ध्यान के समय आप जरूर लगाएं, प्राणायाम के समय जरूर लगाएं। कभी सुने होंगे कि प्राणायाम करते हुए व्यक्ति इतना हल्का हो जाता है कि उसका शरीर ऊपर उठ जाता है। ये कहीं ना कहीं उदान प्राण की सिद्धि है। उदान प्राण जब सिद्ध होता है व्यक्ति तभी आकाशगामी बनता है। उदान प्राण के बारे में तो हमारे उपनिषदों में भी चर्चा है, अलग अलग उपनिषद जब आप अध्ययन करेंगे साथियों तो उपनिषदों में प्राण का बेहद वर्णन है। मैंने बहुत सारे अलग अलग उपनिषदों के अध्ययन किया तो उस अध्ययन में मैंने पाया कि ये प्राण जो है जीवन का एक आधारभूत स्तंभ है। अब इसको सिद्ध करना, इसको जीवन में इसकी वृद्धि, इसका संतुलन महत्वपूर्ण है। इसलिए संतुलन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है कि हम लोग क्या करें, उदान प्राण का प्रयोग करें। तो आज हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं साथियों। हम पुनः फिर से नेक्स्ट वीडियो में अंतिम जो हमारे पास मुद्रा है, समान मुद्रा, उस समान प्राण मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर से आप इसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल में नए आए हो, और इसके बेल आइकन को आप जरूर बजाएं, जरूर दबाएं, क्योंकि आपको हमारे आने वाली एक से एक नई जो वीडियो अभी है, क्रम जो हमने तैयार कर रहे हैं, वो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए साथियों, आप इसे देखें, शुरू से अंत तक देखें, अपने साथियों को आप इसे फॉरवर्ड करें, और अच्छा लगे तो इसे आप लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।